Assalamualaikum and hello everyone. Welcome back to my channel. आज का टॉपिक है स्टोमेटल कंट्रोल ऑफ ट्रांसपायरेशन, कि स्टोमेटा ट्रांसपायरेशन के रेट को कैसे कंट्रोल करता है. सो आपको ये पता होना चाहिए कि स्टोमेटा क्या है. स्टोमेटा इज अ होल, इट इज अ ओपनिंग. ये सुराख होता है, ओपनिंग होती है, ये किसी टाइप का सेल नहीं होता. आपको पहले ये कंफर्म होना चाहिए कि स्टोमेटा क्या है. So function of stomata is what? Its function is to transpire the water in the form of water vapor into the environment. ठीक है, क्या होता है कि transpiration stomata के through होती है. It is mean water vapor moves with the help of the stomata into the outside of the environment. बाहर के environment में वो पानी चला जाता है. When there is sufficient water, stomata remains open, allowing the transpiration to takes place. जब पानी ज्यादा होता है, स्टोमेटा ऑल द टाइम ओपन रहते हैं और ट्रांसपायरेशन होती रहती है. सो ईच स्टोमा इज लाइंड बाय अ बीन शेप्ड सेल दैट इज नोन एज गार्ड सेल. कि स्टोमेटा को बीन शेप्ड सेल ने लाइन किया, मतलब इस ओपनिंग के इर्द गिर्द बीन शेप्ड सेल प्रेजेंट है. उन बीन शेप्ड सेल का नाम है गार्ड सेल, जो कि इनकी गार्डनिंग कर रहे हैं. मतलब गार्ड है ना, देखिए स्टोमेटा को ओपन रखना इन्हीं बीन शेप सेल का. मेरे हाथों को कंसिडर करें, दे आर द स्टोमेटा, सॉरी गार्ड सेल्स. तो गार्ड सेल खुले रहेंगे, स्टोमा खुला रहेगा, गार्ड सेल बंद हो जाएंगे, स्टोमा क्लोज हो जाएगा. इस तरह ये अपना रोल प्ले करते हैं. गार्ड सेल जो होती हैं, दे आर ओनली द एपिडर्मिस सेल एंड दे हैव द क्लोरोप्लास्ट. सो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, दे डू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. कीप इन माइंड, ओके, क्लोरोप्लास्ट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. नाउ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, लाइक इट इज हाउ इट इज रेगुलेटेड बाय द गार्ड सेल. व्हेन द गार्ड सेल हैव मच मोर वाटर, व्हेन द गार्ड सेल हैव इनफ वाटर, दे बिकम टारगेट एंड द स्टोमेटा ओपन्स. When they do not have the much amount of water, where the water is less over there in the cell, so the cell becomes flaccid and the stomata get closes. So in this way, due to the presence of the water, the stomata gets open and the closes. Like here, यहाँ पे देखें, ये guard cells हैं, ये अभी turgid हैं, इनमें पानी बहुत ज़्यादा present है, तो इसके inner membrane जो है पीछे की तरफ चली जाती है, stoma open हो जाता है. लेकिन जब स्टोमेटा क्लोज होता है तो इट मीन्स कि इसमें से वाटर बाहर निकल गया था, सेल्स में से चला गया था, एनवायरमेंट में नहीं गया, प्लांट के अंदर ही है, और ये स्टोमेटा क्लोज हो गया. तो इस तरह ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस या फिर गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस भी नहीं होगा. नॉट ओनली द ट्रांसपायरेशन, ये स्टोमेटा गैसेस एक्सचेंज करने में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. डे टाइम पे क्या होता है कि ड्यूरिंग द डे टाइम द गार्ड सेल्स डू फोटोसिंथेसिस एंड प्रिपेयर ग्लूकोज. इनके पास क्लोरोप्लास्ट है तो वो क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करेंगे, जिसके रिजल्ट में किस चीज की मैन्युफैक्चरिंग होगी, ग्लूकोज की. सो द सेल्यूट कंसेंट्रेशन रिमेन हाई इन गार्ड सेल. सेल्यूट क्या है, ग्लूकोज है, कि ग्लूकोज की कंसेंट्रेशन जो होगी वो गार्ड सेल में ज्यादा होगी. अब जब सेल्यूट ज्यादा है, उसको नॉर्मल करने के लिए सॉल्वेंट चाहिए होगा. सो वाटर मूव्स इन देम एंड दे बिकम टर्जिड. इसलिए ज्यादा से ज्यादा पानी आएगा गार्ड सेल में, बिकॉज देयर इज सेल्यूट कंसेंट्रेशन ज्यादा है. तो अब पानी ज्यादा आएगा, वो टर्जिड हो जाएंगे, मीन्स पूरे स्वेल हो जाएंगे, फूल जाएंगे. और जब वो टर्जेट हो जाएंगी, इसकी इनर जो मेम्ब्रेन होगी गार्ड सेल की, वो पीछे की तरफ चली जाएगी, इट पुशेस बैकवर्ड. तो क्या हो जाएगा कि इन आउटवर्ड जो मूवमेंट जो थी उसकी इंटरनल मूवमेंट हो जाएगी, उसकी ये जो मेम्ब्रेन है ये अंदर की तरफ चले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, स्टोमा ओपन्स हो जाएंगे. देन इवनिंग में क्या होता है कि एट इवनिंग ग्लूकोज कंसेंट्रेशन फॉल्स, कि ग्लूकोज की कंसेंट्रेशन जो है वो गार्ड सेल में कम हो जाती है, क्योंकि शाम का टाइम है. शाम के टाइम पे अब सनलाइट थोड़ी ना अवेलेबल है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा, सनलाइट अवेलेबल नहीं है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो रहा, ग्लूकोज की कंसेंट्रेशन अब कम हो रही है क्योंकि और ग्लूकोज फॉर्मेशन नहीं हो रही. ड्यू टू दिस वॉटर मूव्स आउट फ्रॉम द गार्ड सेल एंड दे लूज देयर टारगेट. जिसकी वजह से क्या होगा कि जो गार्ड सेल है इसमें से वाटर बाहर की तरफ मूव कर लेगा इनटू द प्लांट सेल, और वो क्या हो जाएगा, उसकी जो टर्जिडिटी थी वो उसको लॉस कर देगा. क्या हो जाएगा, वो अब चिपटे हो जाएंगे उसमें से वाटर की लेवल, वाटर का जो लेवल था वो कम हो जाएगा, और स्टोमा रिजल्ट करेगा कि इसमें क्लोजिंग में. ठीक है, अब स्टोमा जो है वो क्लोज हो जाएगा.
इसलिए स्टोमेटा के ओपनिंग एंड क्लोजिंग में कौन काम कर रहा है? वाटर इज प्लेइंग द रोल एंड देन द फोटोसिंथेसिस इज प्लेइंग द रोल, सनलाइट इज प्लेइंग द रोल. ठीक है, सनलाइट है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा, ग्लूकोज फॉर्मेशन होगी, सीयूट कंसेंट्रेशन हाई होगा, उसको नॉर्मेंटेन रखने के लिए वाटर ज्यादा से ज्यादा जाएगा, स्टोमेटा गार्ड सेल जो है वो टर्गर हो जाएंगे, टर्जेट हो जाएंगे और स्टोमा ओपन हो जाएगा, जिसकी वजह से ट्रांसपायरेशन भी होगी और बाकी गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस भी चलता रहेगा. लेकिन शाम के टाइम पे तो कंसेंट्रेशन कम हो जाती है ग्लूकोज की, क्योंकि शाम का टाइम है, सूरज नहीं है, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी उस टाइम पे. अब जब सिल्यूट कम हो गया तो सॉल्वेंट ने तो ऑब्वियसली कम होना होगा, ज्यादा सॉल्वेंट वहां पे क्या करेगा, इसलिए वाटर भी वहां से चला जाता है, वो सेल की टर्जिडिटी खत्म हो जाती है और स्टोमक क्लोज हो जाते हैं. फिर जो गैस्ट्रिक एक्सचेंज जो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस है वो लिटिल बिट क्लोज हो जाता है एट द इवनिंग. सो इस तरह तो स्टोमेटल कंट्रोल जो है वो ट्रांसपायरेशन को कंट्रोल करते हैं. डे टाइम में जो है पोटेशियम आयन की मूवमेंट भी होती है गार्ड सेल में, जो कि सल्यूट कंसेंट्रेशन को भी इंक्रीज कर देता है. एक ये बात भी है, नॉट ओनली द ग्लूकोज कंसेंट्रेशन बल्कि डिफरेंट आयन्स की मूवमेंट होती है वो भी वहाँ पे कंसेंट्रेशन को ज्यादा कर देती है, जिसको नॉर्मलाइज करने के लिए वाटर की अवेलेबिलिटी होती है. देन द लैंड प्लांट में आपके पास गार्ड सेल बहुत स्टोमेटा सॉरी बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि उन्हें वाटर ज्यादा मिल रहा होता है, वाटर की अवेलेबिलिटी ज्यादा होती है, इससे वो ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपायर कर रहे हैं. लेकिन जो डेजर्ट प्लांट्स हैं उनमें बहुत ही कम या ना होने के बराबर स्टोमेटाज होते हैं, वो भी उनके लीफ जो है लीफ उनमें प्रेजेंट नहीं होते. जो डेजर्ट प्लांट्स हैं उनके लीव्स थॉर्न में कांटों में मॉडिफाई हो जाती हैं, और कांटों में इसलिए मॉडिफाई हो जाते हैं ताकि कम से कम ट्रांसपायरेशन हो, क्योंकि डेजर्ट में वाटर अवेलेबिलिटी कम होती है, वहां पे उन्हें वाटर ज्यादा अवेलेबल नहीं होता, इसलिए किसी न किसी तरीके से उन्हें वाटर को कंजर्व रखना होता है अपनी लाइफ को बचाने के लिए, इसलिए वो वहां पर मॉडिफिकेशन कर लेते हैं. उनके लीव्स थॉर्न में मॉडिफाइड हो जाते हैं और उनकी जो स्टेम्स होती हैं वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर में मॉडिफाई हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो ट्रांसपायरेशन के रेट को कंट्रोल करते हैं, कम कर देते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा वाटर एवोपोरेट ना हो जाए. सो गाइस, दिस इज अबाउट द स्टोमेटल कंट्रोल ऑफ ट्रांसपायरेशन. होप यू हैव अंडरस्टैंड द टॉपिक. इन केस ऑफ एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो. डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल. अल्लाह हाफिज.